सो हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल विद न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा और पूरी लाइव चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, बहुत बच्चों को डाउट रहता है, मैंने लास्ट वीडियो डाली है पूरी कट ऑफ के बेसिस के हिसाब में डाली कि कितनी कितनी कट ऑफ पे आपको कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। बट आज मैं आपको पूरी चॉइस फिलिंग लाइव अपने लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा आपको कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है। तो ठीक है, तो और पुरानी जो वीडियो जो मैंने डाली है कट ऑफ वाली, वो जाके देख लेना, उसका आपको ब्रीफ एक आइडिया मिल जाएगा। एंड भाई चैनल पर नहीं हो तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज आती मिलेगी आपको। एंड जितने भी कॉलेज सबके ब्लॉग्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे, जाके देख लेना। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तो भाई की चॉइस फिलिंग ले लेना भाई, पेड काउंसलिंग स्टार्ट करिए भाई ने, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, और बहुत ही मिनिमल अमाउंट में इन्होंने अपना पेड काउंसलिंग का प्राइस रखा। ठीक है, भाई ये रही आपकी आईपीयू की वेबसाइट जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और ये रहा इसका ये जो इसकी वेबसाइट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आपको आराम से मिल जाएगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2023 में। ठीक है, इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना, फिर यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी पिन, आपको जो यहाँ पे पिन लिखा है ना इसको यहाँ पे डालना। ठीक है, मैं डाल दूँ तो फिर आप बच्चे पूछते हैं सिक्योरिटी पिन में क्या डालना है, यहाँ पे आपका नेम आ रखा होता है मोस्टली, तो आपको यहाँ पे जो नीचे पिन लिखा है ये यहाँ पे दोबारा डालना है। ठीक है, तो इसको डाल दो, फिर आगे आके देखो। उसके बाद ये आएगा आपका आर यू श्योर, कंटिन्यू कर देना इसको, देन आगे खुल जा। देन देखो ये आपका पूरा डैशबोर्ड खुल गया। अब आपके पास यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन स्टार्ट दिखा रहा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल चॉइस आपका 95 होती है, फील्ड अभी इसने ऐसे जस्ट फिल करी थी, तो मैं अभी आपको दिखा दूँ। और ये अभी आपका अनलॉक है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं भैया लॉक क्यों होता है, अभी तक हमारा लॉक नहीं हो रहा, तो वो लॉक क्यों नहीं हो रहा वो अभी बता दूंगा। ये देखो, जैसे हम चॉइस फिलिंग में गए, देन इसके बाद ये पासवर्ड आपको वही अपना पासवर्ड डालना जो आपने रखा हुआ है, देन मैं सबमिट करूँगा। ओके, ठीक है, तो आपका ये चॉइस फिलिंग खुल जाता है। तो अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले ऊपर तो आपको सबसे पहले आपका USICT डालना है। अब मैं इसकी अगर बात करूँ तो भाई, अब जैसे इस भाई की रैंक है, भाई रैंक कितनी है तेरी, 1,20,000 कुछ है, तो इसकी 1,20,000 रैंक है। तो उस हिसाब से हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने ऊपर डलवाया यहाँ पे CS, देन हमने डाली IT, फिर उसके बाद जो कॉलेज आता है फिर अग्रसेन, फिर उसकी CS, उसकी Shift 1, Shift 2, फिर हमने अग्रसेन की IT, फिर नीचे कर, फिर मैंने इसकी डलवाई है सूरजमल की CS की Shift 1। यहाँ से होगा भाई, कैसे इंजीनियर बनेगा तू। फिर मैंने सूरजमल की CS, फिर IT, फिर भारतीय विद्यापीठ की CS IT, फिर परशुराम की CS IT, फिर उसके बाद मैंने USI डलवाया। अब आप बोलोगे भाई आपने EC क्यों नहीं डाली, तो भाई EC आप इसके बाद डाल सकते हो, वो मैं अभी इसको बोल देता हूँ, अभी ये डालेगा। एंड अब बोलोगे कि भैया इसके बाद भी तो कॉलेजेस आते हैं, आपने वो क्यों नहीं डलवाया, तो भाई एक बात ये है कि जैसे यहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ, यहाँ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेज मिला है, BM इंस्टीट्यूट, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, एंड DTC, इन सब में क्या आपको इजीली मिल जाती है, आपको कम भी रैंक हो ना तो आपको आराम से मिल जाता है एडमिशन। बट अभी इसकी रैंक के हिसाब से मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा, क्योंकि देखो इसकी 1,20,000 है ना, तो उस हिसाब से मैं इसकी इसलिए नहीं भरवा रहा। अगर आपकी रैंक 2,00,000-3,00,000 से ऊपर है और आपको कहीं पे भी CS IT है, तो फिर तो आप भाई कोई भी कॉलेज भर सकते हो। बट जो टॉप कॉलेजेस है जिसकी मैंने बात करी है वो ये रहे। अब आप बोलोगे भैया आपने EC भी तो भरने को कही थी, तो EC भाई हम इसके बाद भरेंगे। सबसे पहले मैं CS भरवाऊंगा, फिर IT, फिर उसके बाद मैं EC भरवाऊंगा जितने कॉलेजेस थे। अब जैसे जितने कॉलेज है, अब सबसे पहले मैं USICT, तो USICT था आपका नीचे की साइड, USICT ढूंढते हैं, कहाँ गया, कहाँ गई भाई। अभी देखो जैसे इसकी मैंने मोस्टली चॉइस फिलिंग कर दिया, अब कुछ कुछ चीज़ें मैंने जो छोड़ी है ना इसकी चॉइस फिलिंग, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और इसकी रैंक जैसे 1,20,000 के अराउंड है, और इसका OBC का कोटा भी है, तो इसका थोड़ा ये है कि OBC का कोटा भी है तो इसको आराम से सीट मिल जाएगी, इसलिए मैंने बहुत सारी सीटें लाइक छोड़ी है, लाइक AIDS हो गया, AML हो गई, GTBIT, एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जिसकी मैंने CS IT अभी नहीं भरी है फर्स्ट राउंड में। बिकॉज क्या होता है, फर्स्ट राउंड में अगर आप जो चॉइस फिलिंग भर देते हो ना, फिर उसको आप हटा नहीं सकते, आप एडिट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसकी रैंक के बेसिस पे भाई USICT तक इसको EC या MAT तक आप इसको आराम से मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने जो चीज़ें अभी नहीं भरी है, अगर इनकेस अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड तक भी नहीं मिलती, तो वो तो भाई मैं सेकंड या थर्ड राउंड तक इसकी एडिट कर दूंगा आराम से। तो अभी आप लोग एक बार ये चीज़ दिखा दो, ये आराम से जैसे भगवान परशुराम हो गया, यहाँ पे आपकी AIDS है, अगर आपकी रैंक जैसे 2,00,000 या 2,00,000 से भी ऊपर है, 1,50,000 से भी ऊपर है, तो भाई इन चीज़ों को आप मत छोड़ना, इसको भी आप भरना। ठीक है, फिर आपकी विद्यापीठ में ट्रिपल ई आप ये सब छोड़ सकते हो, एंड इंस्ट्रूमेंटल ये सारे लोअर ब्रांचेस हैं, इनको छोड़ सकते हो। फिर ये जो कॉलेजेस हैं इनको तो मैं नहीं भर रहा, इनको मैं अपने प्रेफरेंस में नहीं डालूंगा। बट अगर आप इस साइड रहते हो, लाइक आप नोएडा वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, एंड आप कंपेटेबल हो इस कॉलेज में जाने के लिए, तो फिर आप अपना भर देना। फिर आपका अखिलेश दास आ जाता है, तो यहाँ पे भी इसकी CS IT बहुत ही बढ़िया है, तो बट इसके रैंक के बेसिस से मुझे नहीं लगता ये भरनी चाहिए। तो अगर आपकी रैंक है 1,50,000-2,00,000 के अराउंड, तो आप इनको डाल देना अपने चॉइस फिलिंग में। एंड फिर अखिलेश दास के बाद आता है, फिर ये ग्रेटर नोएडा, इसको भी हटा दिया। फिर मैंने गुरु तेज बहादुर, इसकी भी CS IT मैंने अभी के लिए छोड़ी है, एंड नेक्स्ट राउंड में अगर देखते हैं कुछ होता है तो डाल देंगे। बाकी ये भी एक अच्छा खासा कॉलेज है, आप इसको भी अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो।
देन उसके बाद ये कुछ कॉलेज जो मैंने छोड़ दिए, फिर भाई उसके बाद आपकी मेट की AIDS भी आ जाती है। अब आप ये आपके ऊपर है कि आपको मेट में AIDS वगैरह चाहिए, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, ये भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेस है, बट इसको नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने उन चीज़ों का भी नहीं डाला है। अगर आपको अपनी चॉइस अपने प्रेफरेंस में इन चीज़ों के रिलेटेड पढ़ना तो आप इनको डाल सकते हो, ठीक है। फिर सूरजमल में AAA, अगर आपको AAA भी सही लगती है तो आप AAA ले सकते हो, आप अपना चॉइस में डाल देना। देन उसके बाद कुछ अच्छे कॉलेजेस लाइक आपका, उसके बाद यहाँ पे USICT आ गया। अब कुछ बच्चों को होता है कि भैया USICT में ले लें एडमिशन, भले कुछ भी मिल जाए, तो भाई आप ये यहाँ पे कर सकते हो। अब लाइक आपको केमिकल, आपको बायोकेमिकल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कट ऑफ भी बताई थी कितनी कट ऑफ पे ये सीट्स मिली थी, तो आप इनको आराम से देख सकते हो और आपको चाहिए तो भर लेना। फिर कुछ बच्चे जिनके 200,000 से भी ऊपर रहेंगे उनको CSE चाहिए, तो भाई विप्स कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, तो विप्स की आप CSE डाल सकते हो वहाँ पे आपको। एक सेकंड, ये बार बार आता है, इसको कैंसिल। फिर भाई विप्स में भी अगर आपको चाहिए तो विप्स के भी आप भर सकते हो, यहाँ पे CSE मिल जाती है आपको, AIDS एंड आपको IIoT यहाँ पे मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांचेज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है, ठीक है। और देन भाई आखिरी में GT BIT, ये 4th century, बहुत बच्चे लास्ट ईयर भी पूछ रहे थे कि भैया 4th century क्या है, तो भाई जो गुरु तेज बहादुर कॉलेज है ना उसी में एक और बिल्डिंग है, तो उन्होंने सेपरेटली बिल्डिंग बनाई है एंड बाकी पूरा अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आपका वहीं रहेगा, तो वहाँ पे उन्होंने CSE इंट्रोड्यूस करी है, तो ये वहाँ की है, तो आपको ये भी भरनी है तो आप ये भी भर सकते हो, ये भी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो अब मैं आपके एक बार चॉइस फिलिंग दिखा देता हूँ, मैंने पूरी एक बार क्या करी ओवरऑल, लाइक मैंने स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने इसकी स्टार्टिंग से सबसे पहले मैंने आपका इसका मैंने जो डाला है वो आपका USICT हो गया CSE, फिर मैंने USICT की IT डाली है, फिर महाराजा अग्रसेन की CS, फिर महाराजा अग्रसेन की Shift 2, फिर मैंने अग्रसेन की Shift 1 IT, फिर महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर IT एंड इंजीनियरिंग, फिर सूरजमल में मैंने Shift 1 कंप्यूटर साइंस, फिर उसकी Shift 2, फिर IT Shift 1 Shift 2, फिर मैं विद्यापीठ की मैंने Shift 1, फिर विद्यापीठ की IT की Shift 1, देन हम आ गए परशुराम में, वहाँ पे हमने CSE डाली, फिर परशुराम की IT डाली, फिर हम आ गए USAR में, क्योंकि इसको चाहिए थी USAR में, तो मैंने USAR के इसके चॉइस फिलिंग में डाल दिए। USAR में इसके AIDS AML एंड देन उसके बाद जैसे मैंने कहा था EC भी आप भर देना, तो EC मैंने इसकी डाली है, USICT, फिर अग्रसेन, फिर सूरजमल, फिर विद्यापीठ, फिर लास्ट में मैंने डाला भगवान परशुराम। भाई अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि भैया ये अनलॉक हो रहा है हमारे, ये लॉक नहीं हो रहा चॉइस फिलिंग, क्योंकि देखो मैंने यहाँ चॉइस फिलिंग कर दी पूरी 21, मैंने चॉइस फिलिंग डाली है 74, मैंने नहीं डाली है एंड टोटल मेरी 95 थी। अब इसको लॉक कैसे करना, बहुत बच्चे कह रहे भैया लॉक नहीं हो रही, तो भाई यहाँ पे आपको जाना है लॉक चॉइस, ठीक है। लॉक चॉइस पर जाके भाई ये भी मेरी चॉइस फिलिंग जो भी मैंने डाली थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, या तो आप अपना चॉइस फिलिंग लॉक बाद में कर देना, या तो आपको अभी करनी है तो यहाँ पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, देन यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना एंड देन आप अपने यहाँ पे येस लॉक कर देना, ठीक है। अगर इन केस अभी नहीं हो रही तो आपका ये है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, बट आप यहाँ पे अपना जैसे ही पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो भाई फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, बाकी भाई कुछ अपने आप से कुछ ऊट पटांग गलती मत कर देना, क्योंकि भाई छोटी मोटी गलती के कारण फिर आपकी भाई सीट की दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। एंड बाकी लॉक का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अपना लॉक कर लेना, एंड बाकी अपने पेरेंट्स या फिर आपको कोई सीनियर जिसको भी आपको दिखाना हो या चॉइस फिलिंग मेरे को दिखानी हो तो आप मेरे को चॉइस फिलिंग पर दिखा देना। पैनिक मत होना कि भैया बहुत सारी चीज़ें आपने डाली है, बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने चॉइस फिलिंग में डालनी है, आपको किससे रिलेटेड पढ़ना है, आपकी रैंक किस हिसाब से, तो आपको कौन सी सीट मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने उसी के हिसाब से इसकी डाली है, एंड ये रहता है ना कुछ भी मत भर देना फर्स्ट राउंड में, क्योंकि क्या रहता है ना नेक्स्ट राउंड में जब आप जाओगे तो उसमें आप उन चीज़ों को हटा नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं डाली है, बट ऐड कर पाओगे, ठीक है। बट ये रहेगा कि जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होगी आप फिर उसको बाद में हटा नहीं पाओगे, तो इसलिए वही चीज़ डालना जो आपको चाहिए होगी, पता लगे बाद में जो आपको चीज़ नहीं भी चाहिए होगी फिर आप हटा भी नहीं पाओगे और आपको वो मिल जाएगी, तो उसमें फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना, एंड कोई भी दिक्कत आ रही है भाई इंस्टा पे DM कर देना। एंड हिमांशु सिसोदिया जिन्होंने अपना पेड काउंसलिंग भी स्टार्ट करा है उसका गूगल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए आप उनसे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे से ही पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, 8 को मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, सी यू, एंड चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ओके बाय।